हेलो यूट्यूब, आज बड़ी ही देर के बाद वीडियो बनने जा रही है डॉक्टर साहब की। तो आज की वीडियो जो है बड़ी स्पेशल होने वाली है, तो सीधा भैया के पास ले चलता हूँ आपको और पूछते हैं कि क्यों स्पेशल है। नमस्ते भैया। हाँ नमस्कार जी, आदाब जी, सब भाइयों को नमस्कार जी। आज काफ़ी देर के बाद एक वीडियो बनाने लगे हैं जी। ये दुनिया के सबसे नायाब कबूतर रामपुरी कबूतर हुए हैं। जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो आज के टाइम में कहते हैं कि नस्लें ख़त्म हो गई हैं, रामपुरी नस्लें ख़त्म हो गई हैं, ओरिजिनलिटी में नहीं है, वो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं तो काफ़ी दर्द आदमी हैं, नीचे भी हैं, आप इधर नज़र मारें तो जो हम बना सकते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो अगर बनेगी तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी अच्छी वीडियो बने, जो नायाब कबूतर दिखा सकूँ, ऐसे कबूतर दिखाऊँ जिनसे कि बुज़ुर्ग लोग जो हैं जिन्होंने कबूतर पर भी अपनी छोड़ दी है, वो देख के भी कहें, नाज करें कि यार कबूतर आज भी हैं, कबूतर ऐसी बात नहीं है, और मज़ा आया उनको देखने का। ये बुज़ुर्गों के लिए है, उस्तादों के लिए है, जो हमारे बड़े उस्ताद हुए हैं जिन्होंने ये कबूतर मेंटेन रखे और उनसे जिनसे लाया उनका हम एहसानमंद है। तो ये हमारी कोई बाप दादा की जगीर तो है नहीं, लेकिन हमने इनको संभाला, आगे जो नस्लों को हम मेंटेन करेंगे वो हमारी जगीर होती है। और जो असल कबूतर हैं वो उन्हीं का, रामपुर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जिन्होंने हम तक कबूतर दिए और उन्होंने देखा कि मैं संभालने वाला इंसान हूँ और नस्लों को मैंने संभाला भी है और मेंटेन भी रखा। तो आइए कबूतर दिखाते हैं जी आपको। लोगों का बांके कबूतर देखने का शौक होता था जी, कहते थे बांके कबूतर, असल हालत में बांके ये कबूतर हैं जी। ये एक असल हालत में कबूतर है, ये बांकों की आँख होनी चाहिए, ये कच्ची चोंच होनी चाहिए। ये जब ओरिजिनल आँखों से कबूतर बनते हैं तो इस तरह के कबूतर होते हैं, और इनको बनने में 5 से 7 साल लगते हैं। जब भैया 5 साल का कबूतर हो जाता है तो इसकी अच्छी आंख बनती है। क्या अच्छी आई है आंख? हाँ जी, ये देख लीजिए, ये है जी इनके पार वगैरह का भी शौक कीजिए, ये है जी इसका बिल्कुल मुलायम पार। और रामपुरी कबूतरों में एक चीज़ होनी चाहिए, जोड़ देखिए खुले नहीं होने चाहिए, नहर कबूतर का जोड़ जो है ना नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा बंद ना ज़्यादा खुला। हाँ जी, और इनमें वज़न नहीं होना चाहिए, लगने में ये वज़नदार है लेकिन इनका वज़न नहीं होना, ये झटका रहे हैं अपने जिस्म को, ये अच्छी एक क्वालिटी है। और इनके रोएं जो हैं ये आने ज़रूरी हैं, इनमें रोएं पैरों पे हल्के बाल ये आने ज़रूरी हैं। अगर आपको देख रहे हैं रोएं तो ये देखिए, ये ओरिजिनल कबूतरों की पहचानी है। ये और भी लोगों के कबूतरों में आते हैं जो नस्लदार नस्ल चलते हैं कबूतर, ये चमक जा रहा है, ये कबूतर है कम्प्लीट। ठीक है जी, चंदा खानियों से हरे गजरे बने हैं जी, इनकी आंखों पे भी ज़रा गौर करें, चंदा खानी से बने। हाँ जी, आंखों की ये हालत होनी है, नीले ज़रात होने चाहिए इनमें। आगे जी आंख, हाँ जी आगे, समय की कमी होती है। और ये जी रामपुर के दुनिया के नायाब कबूतर, मैं तो इनको मतलब कि इनसे ऊपर क्या खूबसूरती में क्या मानेंगे आप, जो प्योरिटी में है। हाँ जी, ये उस्ताद मुमताज़ गनी खान साहब का कबूतर है जी, उनके घर की नस्ल है। तो इसके फादर का भी मैंने 50,000 रुपया दिया था जब वो बूढ़ा हो गया था, जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन वो लेजेंड उस्ताद, जो उस्ताद ही होते हैं, उन्होंने कहा जी भाई पट्ठा दे दिया आगे, कबूतर जो है वो बड़ा नहीं दूंगा मैं। तो ये उनकी एक निशानी है बड़े उस्तादों की रामपुर के, और उनका साथ साथ में शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने इस तरह की नस्लें हमारे तक दी हैं और हमें काबिल समझा इन नस्लों के। वो लेजेंड बंदी है, जो लेजेंड है वो लेजेंड ही है। ये खूबसूरती है जी कबूतरों में, इन्हीं कबूतरों से दुनिया में खूबसूरती बनी है। अगर यही पार अगर आगे पीछे गए हैं तो इन्हीं से आगे क्रॉस डाल के तो खूबसूरतियाँ बनी हैं। इनमें आप चूहा पार डाल लें, गोल्डन बना लें, इनमें कसूरी पार डाल लें तो खूबसूरत से खूबसूरत कबूतर बनेंगे। ये खूबसूरती है कबूतर, आ रही है रोशनी, ये इनके पार पल्ला है इसका, ये देखो। वो कहते हैं ये जो ओरिजिनल पार हैं जी, ये कोई बनावटी या कोई बने हुए पार नहीं है, ये ओरिजिनल पार हैं जी, ओरिजिनल जो पुराने कबूतर थे उनके पार हैं। बिल्कुल मुलायम नरम और कोई वज़न नहीं इनका कबूतरों का, जिस्म से लगे चाहे बड़े हैं लेकिन कोई वज़न नहीं है इनका कबूतरों का, हड जोर से पूरे मजबूत कबूतर हैं। ये हमारा नेक्स्ट कबूतर है जी, ये बुरा कबूतर है जी, इन्हीं को आप चंदा खानी में क्रॉस दे दें तो आपके बांके कबूतर तैयार होंगे, खूबसूरत बांके जिनके कहते हैं, क्योंकि बांकों में कच्ची चोंच आनी बड़ी लाजमी है। ये ओरिजिनलिटी के कबूतर हैं, दिखा रहा हूँ आपको,
ये हाथ में भी पकड़ने से यार ये नाराज़ होते हैं ये कबूतर ऐसे, तो कहते हैं ना नवाबों के कबूतर हैं तो नवाबी इनमें शान है। ये देखिए इसकी खूबसूरत, ठीक है ये आपके आ गए जी असल गोल्डन कबूतर जिनको कहते हैं जी। दुनिया में पहला नाम जो गोल्डनों का बना था इन्हीं का बना था। ये मुमताज़ गनी साहब के कबूतर हैं, ये भी इन्होंने गोल्डन नाम तो उन्हीं ने रखा था। ये असल जो गोल्डन है ये गोल्ड कबूतर हैं जी, गोल्डन धूप में लीजिए। और इनकी आंखें ये होनी चाहिए, ना कि लाल होनी चाहिए ना कि सफ़ेद होनी चाहिए, ये आंखें ये इनके पार हैं जी। ये पार देखें आप, क्वालिटी देखें परों की क्या है, खूबसूरती देखें आगे से, ओरिजिनलिटी के परों की ये खूबसूरती होती है, ये जिस्म होने चाहिए। लो जी मैं माली भी आपको शेयर करता हूँ। ये इसकी फीमेल है, ठीक है। ये जी कलपरे भूरे कबूतर, रामपुर के असल हालत में कबूतर है ये। और भूरे कहते हैं जी, कलपरे भूरे कबूतर कहते हैं, भूरे गजरे कबूतर कहते हैं। ये आंखें इनकी बिल्कुल ब्लूइश आंखें हैं, ये चोंच है इनकी असल हालत में जो कबूतर हैं ये है। और इन्हीं कबूतरों से अगर लाहौर में अगर गोल्डन कबूतर, अच्छे कबूतर अगर गोल्डन बने हैं ना तो इन्हीं कबूतरों से बने। यही पार पड़ा उनमें कसूरियों में, तो आगे इन्हीं की पलटी दे के उन्होंने कबूतर बनाया। और जिन उस्तादों ने बनाया उनको ये मानना भी चाहिए कि इन्हीं कबूतरों में से बने हैं। आप ये गोल्डनों की निशानी भी देख लें, थोड़े से पार गंदे हुए हैं उनके। हाँ जी, इस टाइम सर्दी का टाइम है ना, ये बिल्कुल नरम और नाजुक परले हैं इनके। देखो ये ओरिजिनल हालत में कबूतर, आंख अगर आ सकती है तो देखें, अगर आंख की कोशिश करें आप तो देखने वाले बड़े उस्तादों को आंखें ही चाहिए पहले, अगर आंखें नहीं दिखेंगी तो क्या दिखेगा, ठीक है जी। चेहरा मोरा जो होता है ना कबूतर का, वो दिखना बहुत ज़रूरी है। ये भी बंकों में जी कबूतर, बोमियन चोंच। हाँ जी, ये अभी यंग है थोड़ा सा, आंखें कैरी करेगा थोड़ी, और सफ़ेद मुँह आ गया, सफ़ेद चोंच आ गई इसकी, ये कलर आ गए, ये रोएं आ गए इनके, ओरिजिनलिटी की निशानी कबूतरों की रोएं। ये रोएं इनके आ रहे हैं आप, ये देखिए आ रहे हैं नज़र। हाँ जी, तो ये इसका चेहरा मोरा जी, ये इनके चेहरे मोरे जो होते हैं यहीं से होते हैं, तो यहीं से कबूतर की ओरिजिनलिटी जो होती है ना खोपड़े से पता लगती है, खोपड़े और इधर से ये अलाइनमेंट जो है ना ये यहाँ से पता लगती है। बड़े चेहरे के बड़े खूबसूरत कबूतर जो हों, ये बड़े शौकीनों के लिए जी, बड़े जो दुनिया में बड़े बड़े उस्ताद जो बैठे हुए हैं, जो कहते हैं आज कबूतरों की नस्लें आज ख़त्म हो गई हैं तमाम, असल हालत में जो नस्लें ख़त्म हो गई हैं उनको दिखाने के लिए। तो कहते हैं जी शौक़ ऐसा कराओ जो पता लगे दुनिया में आज ही कोई शौक़ करवाया, ठीक है जी, ठीक है। ले जी ये भी बांकों में जी कबूतर, कांटे या झुमके वाले कबूतर भी कहते हैं क्योंकि उनके यहाँ से कण खुले सफेद मुए कबूतर हैं। ये आंखें हैं इनकी, ये इसकी लाइन ऑफ लेंथ देखें कबूतर की, आकर बीच में कम पर हैं ये। पहले तो आप तीन परों पर निशानी दें कि ओरिजिनलिटी के जो कबूतर हैं, ये देखें इसके बीच का चौथा पर नहीं है ये पल्ला इसका। अगर अली वाले कबूतर बनाने हो तो इनसे आप बड़े अच्छे अली वाले कबूतर भी बन सकते हैं, इन्हीं कबूतर। हाँ, इन्हीं कबूतरों के परों से बने हैं किसी ज़माने में, लेकिन मानने वाले मानेंगे जो पुराने उस्ताद होंगे, तो इन्हीं कबूतरों से अली वाला पर भी जो बना है इन्हीं कबूतरों से बना है। अगर इसको गौर अगर आप करें तो सियालकोट का अली वाला जो पार है वो इन्हीं कबूतरों से बना, ठीक है जी। क्योंकि कबूतरों की जो बेस थी वो यूपी एक गढ़ था, जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान पहले एक ही था, तो यूपी एक गढ़ था जहाँ पर सारी कबूतरबाजी थी। ये देखिए ऐसे पल्ला दिखाते हैं, लेकिन अब इनके तो ओरिजिनल पल्ले ऐसे हैं। हाँ जी, आप देखिए इसकी खूबसूरती देखिए,
और शिवर देखिए कबूतर में वाइब्रेशन इसके पर हुए ना, ये सभी के हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर कबूतर में सभी में क्वालिटी होगी, क्वालिटी के बिना कबूतर क्या रखने हैं जी। सही बात है, ये समझदार होंगे जो समझ आएंगे। एक बार फिर इसको नज़र मिलवा लो, लंबी वीडियो हो जाएगी आपके। ठीक है जी, लो जी एक और बांका कबूतर जी। बांका, बांकों के शौक करना तो असल बांकों का करिए ना। जो लाहौर में कबूतर है वो भी बांके उन्होंने बनाए हैं कबूतर, उनमें भी रामपुरी पर और फिरोजपुरी परों में उन्होंने बांके किए हैं तैयार। हाँ जी, लेकिन ये रामपुरी असल कबूतर है। असल हालत में इनकी चोंच देखें, चोंच की खूबसूरती देखें और लास्टिंग देखें। इसका आ रहा है, इसका क्लियर है। ये हाँ जी, इनके पारंग इसका जड़ा हुआ है ऊपर से, ये है। आप देख लें, इसमें भी वाइब्रेशन देख लें। हाँ जी भैया, देख लें। हाँ जी, ये असल हालत के कबूतर हैं जी, असल हालत के कबूतर हैं ये बांके। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन उस्तादों का, उन बड़े उस्तादों का जिन्होंने कदर करके हमारी कदर की है, हमारी इज्जत की है। और हम आज इन कबूतरों की इज्जत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी इज्जत एहतराम हुआ है, ये कबूतर जिन्होंने हमें दी है। ठीक है जी, कबूतर अगर आप किसी से लाते हैं तो कबूतर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाहे आप पैसे, तो देखिए पैसे की गेम होती है, लेकिन आपको उन उस्तादों का शुक्रिया अदा भी करना चाहिए जो आपको ब्रीड देते हैं। ये असल हालत के दुनिया के नायाब कबूतर हैं। तो ये अभी एक हरा गजरा कबूतर दिखा रहा हूँ आपको, बुरा गजरा, लेकिन आप इसको देखिए कबूतर क्या कबूतर है। आप इसकी आंखें देखिए, गौर फरमाइए, चोंचे देखिए, इसकी आंखों के ज़रात देखिए, बिल्कुल ग्रेश ज़रात, जैसा कलर है बॉडी का वैसे ही कबूतर है। जो अच्छे खूबसूरत गोल्डन लाहौर के कबूतरबाजों ने बनाए हैं, रामपुरी कबूतरों से ही बने हैं, उनमें और कोई पर नहीं मिला, उनमें कसूरी पर मिला, इसलिए उनके नीले ज़रात भी आते हैं, सफ़ेद चोंचे भी आती हैं, यही वाली कच्ची चोंचे आती हैं, मोमियन चोंचे। हाँ जी, ये एक दुनिया की नायाब वीडियो है, लोगों को समझ भी आनी चाहिए भाई ये किन परों से हम गोल्डन गोल्डन तो कह रहे हैं नहीं भाई, ये दुनिया के बड़े नायाब कबूतर हैं। हमारा कबूतर ही शाम अंधेरे में बैठ रहा है, लेकिन वो इन कबूतरों को भूल गए हैं। इनके कबूतरों को जैसे हम बड़े उस्तादों को याद कर रहे हैं, ऐसे ही उन कबूतरों के दादा परदादा यही हैं। तो ओरिजिनलिटी के जो कबूतर हैं, ये कबूतर आते हैं। बिल्कुल नरम जिस्म के कबूतर हैं, कबूतर का जिस्म बिल्कुल नरम होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। ये इसकी फ्लैक्स, ये देखिए स्लिप कर रहा है। ठीक है, ये भी एक चंदा खानियों से बना हुआ जी गजरा कबूतर है। इसकी आंख पे भी ज़रा कीजिए, जूम कीजिए, आ रही है अवली। ठीक है, आ रही। ठीक है, ये भी कल पर गजरे कबूतर हैं जी। और ये चोंच माथा इनके जो है निशानी है इनकी खूबसूरती की, ओरिजिनलिटी की। चेहरा मोरा जो होता है ना, वही खूबसूरती होती है, ऊपर से ही पहले देख के, यहीं से देख के पता लगता है कबूतरों का। ये इनके पंजे हैं, देखिए पंजे भी मैंने चले दिखाए नहीं, एक आध के दिखाऊंगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। ये ओरिजिनलिटी के पंजे हैं, ये हैं जी जिस्म और कद काठियाँ हुई। ये आ गए जी आपके तितरे कबूतर। तितरे कबूतर, हाँ जी, तितरे और तोसी ब्रीड रामपुर की बड़ी मशहूर हुई है। ऐसे देखने में ऐसे इनको भी बीच ही बन जाती है जी देखने में। ये जिस्म है, ये कद काठी हैं, ये तितरों में से है। देखिए जी आँख, आँखों ज़रात देखें आप, क्या हैं इनके,
इसकी आंखों को जूम कीजिए और पिक भी लीजिए, एक ना फोटो भी लीजिए इसकी। इनका जिस्म देखिए क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर ये है। लो जी, ठीक है जी। लंबी पता नहीं कितनी हो जाएगी लंबी, लेकिन ये अगर अच्छी वीडियो बन जाए। हाँ जी, हम जो यही कहते हैं। ये कौन सा कबूतर है भैया? ये भी गजरा कबूतर ही है जी। गजरा कांटों वाले कबूतर कहते हैं इनको, गजरे। ये कांटों वाले का मतलब है कान खुले सफ़ेद मुँह कबूतर। तो ये भी अली वाला पार बड़ा खूबसूरत बनाएगा अगर इनमें सियालकोटियों में क्रॉस दे दे। तो ये बनाने भी आप जैसे बना सकें कबूतर, ठीक है जी। ज़्यादा हो जाएंगे कबूतर तो मैं फिर ये सराय वालों में से बनी है जी कबूतरी। सराय वालों में से जी? सराय वालों में से हरी गजरी कबूतरी है ये, मादी है ये फीमेल। ठीक है, ये इसके पार ये कलसरा कलपोटिया कलदुम्बा कबूतर है। इसके चेहरे मोरे और खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ बस। लो जी, लो जी, कलसरा कलपोटिया। ये कबूतर बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं हाथ में पकड़ना, मतलब कि जो असल हालत में कबूतर है ना, चाहे वो शाहजहानपुरी हरे हैं चाहे रामपुरी कबूतर हैं, ये नाराज़गी अपनी शो करते हैं जी। और अच्छा नहीं समझते कबूतरों को हाथ में, ये जब आप इनको हाथ में पकड़े ना तो इनकी ये निशानी है। ले जी, ये भी ये कलसरी कलपोटी कबूतरी है जी, मादी है ये फीमेल है। इसके कलर देखिए आप, धूप में देखिए इसके कलर वगैरह, ये रोए देखिए, इसके कलर देखिए, ओरिजिनलिटी के जो कबूतर हैं क्या हैं रामपुर के। ये है जी इसकी आँख, और ये इसके जिस्म देखिए आप, इसको आ रहे हैं जी भाई कलर आ रहे हैं सारे। ये इसका पर गुंदा देखिए, ये एक उंगली से मैं कर रहा हूँ, लचक देखिए क्या है इसकी परम की। ये फीमेल है, एक बड़ा चंदा खानी कबूतर है, पेज कबूतर। ले उम्र दराज कबूतर। जी देखिए, और इसके रोए देखिए क्या लच्छे कैसे आए हैं बाहर, धागे होते हैं ना ये देखिए, धागों का साइज देखिए क्या है इनका, ठीक है जी। ये देखिए कैसे आ रहे हैं बाहर, दिखाई दे रहे हैं जी, जी। ऐसे लग रहे हैं जैसे धागे किसी ने टांके लगाए हुए हैं इसको, और धागे आ रहे हैं बाहर इसके। अच्छा, ये जी असल हालत में कबूतर है। इनकी चोंच, इनके चेहरे मोरे जो हैं, यहाँ से ये चीज़ देखें, सिर देखें इनके, ये चीज़ देखिए माथा, ये गला, ये वाइटिश, ये है इसके।
लचक देखिए इनके परों की क्या है। ये ये भी एक तितरे कबूतरों में है जी। तितरे हाँ जी टूटे हुए हैं इनके लड़ लड़ के। लो जी इसके भी देख ले रोए देख के कैसे बाहर आ रहे हैं इनके। ठीक है जी ये भी चंदा खानी में है जी कबूतर। हाँ जी ये भी उन्हीं में है। अभी इसकी आँख और होगी इसके देखिए आँख के ज़रात देखिए यार चंदा खानियों से बने हुए ना जो ऐसे इस तरह के ज़रात जिनके भी आएगा ना चंदा खानियों से बने हैं जिनके सफ़ेद में और नीले पान में आँखें आती हैं वो कबूतर सराय वाले कबूतरों से बने हैं। इनमें कलांज कबूतर हुए हैं तोसी ब्रीड हुए हैं तितरे कबूतर हुए हैं ललसरे हुए हैं अपने बुरे हुए हैं बुरे गजरे हुए हैं हरे गजरे हुए हैं ये कबूतरों के रोएं देखिए आप रोएं ओरिजिनलिटी इनके चेहरे मोरे ये कबूतर की असल लोग कहते हैं कबूतर ख़त्म हो गए हैं नस्लें ख़त्म हो गई तो अच्छी सोच और अच्छी परवरिश चाहिए जैसे औलाद को पालते हैं ना माँ बाप तो ऐसे ही कबूतरों को पालने के लिए अच्छी इनको परवरिश इनको इनके लिए भी ये चीज़ चाहिए तो ये ज़रूरी काम है और लोगों ने कबूतर नहीं संभाले लोगों ने कबूतर रखे हैं दिखावे के लिए असल नस्लों को संभालना और रखना बड़ा मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। ले जी पता नहीं फोटो कैसी आ रही है क्या है मुझे तो पता नहीं अब आप ही ले रहे हैं बस दिल खुश होना चाहिए वो तो बड़े बड़े उस्ताद हैं उनका दिल खुश होना चाहिए ताकि वो ब्लेसिंग्स दें अच्छी ब्लेसिंग्स दें। यह भी एक चंदा खानी कबूतर है जी आप इधर देखिए आँख से चंदा खानियों की आंखें इस तरह की होनी चाहिए साफ आंखों के चंदा खानी नहीं होते। ये कबूतर है ये इसके चेहरे मोरे हैं आप चेहरा मोरा देखिए इसका बस। ठीक है जी यार ठीक है जी ये हो गया जी वो तो कंप्लीट है ये आंखें होनी चाहिए चंदा खानियों में अच्छे अच्छे कबूतरों की निशानी जो है ये आंखों की तो जब आप अच्छे कबूतरों के साथ अच्छे मेल मिलाप भी कराते हैं कबूतरों का तो और है एक कबूतर आ गया जी इसका भी शौक करें आप बेचारे पिंजरों में बेचारे बंद हो गए हैं। ये देखिए इसको गौर फरमाए कबूतर को ये आंखें हैं इसकी ये पुराने कबूतर हैं अपने इनको मकोयों में आते हैं ये मैली काली आंखों में नहीं है कबूतर तो ये एक मकोया कबूतर भी आपको दिखाया मकोई आंखों में हल्का सा लाल ज़रात है बाकी बिल्कुल ग्रेश आँख है इसकी तो उसके आप रोएं देखिए जिस्म देखिए कलर देखिए और नरमी देखिए क्या है जिसम में इसका जैसे कॉटन ये देखिए कॉटन होती है ना जैसे कर रहे हैं ये सॉफ्टनेस जो है ये कबूतर में क्वालिटी दर्शाती है कि क्वालिटी क्या है कबूतर की ये इसके पार हैं जी नरम बिल्कुल पार होंगे काफ़ी एज कबूतर है हाँ इसके अभी आपको मैं पंजे दिखाता हूँ पंजे तो आज दिखाया नहीं ये ओरिजिनलिटी की निशानी है जी ये पंजे ये जो पंजे हैं टांग देखिए इसकी कैसी है लेग्स इसके पंजे देखिए ये बाल अच्छी निशानी है रामपुरियों की हल्का बाल आना तो रामपुरियों में लाजमी है
आप इनमें टैडियों में भी कहीं में रामपुरी पार देखेंगे, जिन्होंने रामपुरी कबूतरों से बनाया ना, हाँ जी, कहीं ना कहीं टांग में कोई ना कोई पार जरूर आएगा। तो पार आना ये नहीं है कि ये क्या आ गया यार, ये कबूतर क्या, जो हेरिडेटरी है वो कबूतरों की आएगी आएगी। ठीक है जी, हाँ जी भैया, ये कबूतर देख, बस कबूतर को छोड़ो तो बस हो जाते हैं जी। हाल ही है कबूतर, इधर से आप मतलब मार लो। और आज की वीडियो मुझे लगता है, उम्मीद है कि बड़ी लोगों को पसंद आएगी, बुजुर्गों को खासकर, यंग जनरेशन का नहीं मैं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक रामपुर वाले और जो सियालकोट के लोग हैं वो भी बड़ा इसे पसंद करेंगे। इंडिया के जो नामी तनामी कबूतर परवर हुए हैं, जो पुराने कबूतर परवर हैं, और दुनिया में जहाँ जहाँ भी पुराने बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी 50-60 साल से ऊपर की एज है, वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। अच्छी वीडियो बनाई है और ये दिली उन्हीं के लिए बनाई है, बुज़ुर्गों के लिए। तो लोग देखें और याद करें कि हमने कभी नस्लें देखी थी। आज कहते हैं हमने आज से 30 साल पहले कबूतर देखे थे, 40 साल पहले देखे थे। तो कबूतर अगर जब वो देखेंगे तो उनका हो सकता है खून थोड़ा सा बढ़ जाए। तो हर कबूतरबाज का तब खून बढ़ता है जब वो अच्छी गेम देखता है, किसी की भी हो जाए। आपने कोई भी गेम बनाई है, चाहे आपने क्रॉस में बनाया, अच्छे बनाया, तो उससे खुशी होती है। तो उससे हमें भी देखती है, हमें भी खुशी होती है, यार दुनिया में कितने खूबसूरत से कबूतर बने हैं। आज लाहौर वालों ने बड़ी मेहनत मारी है, पुराने टाइम में मैंने भी नहीं देखे ऐसे कबूतर। तो जो कबूतर हमने पुराने टाइम में आज से 30 साल पहले देखे हैं, लेकिन जो अब देख रहे हैं रामपुरियों की क्रॉस में, बड़ी मेहनत की है लोगों ने, उस्तादों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और जो बनावटी कबूतर भी बनाए हैं, जब आप क्रॉस में बनाते हो तो ऐसे कबूतर बनाओ जिनकी परवाजें भी हो, जो खूबसूरत भी लगें। जी जैसे इनमें मैंने कुछ कबूतर बनाए हैं, अब क्रॉसों में बनाए हैं, वो कबूतर पहचाने नहीं जाते कि ये रामपुरी हैं या सियालकोटी हैं। तो आपने क्या बनाना क्या है आपको पता होना चाहिए। रंग बनाना चाहते हो, कलर उड़ाने के लिए बनाना चाहते हो, उड़ाने के लिए कलर बिगाड़ना चाहते हो, ये सब आपके हाथ में है जी। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं जी, सभी को शुक्रिया आज जोड़ के। थैंक यू भैया। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो भैया ने हमारे साथ शेयर की इनके इतने एक्सपीरियंस के साथ। तो एक दिन भैया से बात हो रही थी तो ये बताते थे 43 इयर्स। अभी ये दोबारा मैं कबूतर दिखाऊंगा, ये मेरी बचपन की कबूतरबाजी है, उसके लिए डिटेल मैं दोबारा दूंगा आपको। हाँ जी, वो एक बैठ के बात करेंगे कि कब से कबूतरबाजी कर रहे हैं। जो इंसान बचपन से कबूतरबाजी कर रहा ना, वही इतने मुकाम तक पहुँचता है। बड़ी कबूतरबाजी करने के लिए इंसान को बचपना जो है ना, उसी में जब गुड़ता है इंसान, क्योंकि बचपन में आप फिर 20 साल की उम्र में पढ़ाई क्यों नहीं करते, 30 साल की उम्र में पढ़ाई क्यों नहीं करते। कोई देखा है बच्चा आपको 30 साल की उम्र में जाते हुए फर्स्ट में या सेकंड में? नहीं। तो बचपन से जब आपके हाथ में खिलौनों की जगह कबूतर आ जाते हैं, तो कबूतर परवरी अपने आप आपको सिखाती है कि कबूतर हैं क्या, हम हैं क्या। तो बचपन का जो शौक होता है वो एंड तक जाता है, आपकी लाइफ के एंड तक। तो बस यही कहना चाहता हूँ। चलो जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भैया। ओके।